Hello to everyone, I welcome you all on Abhimanyu IAS YouTube channel, and today we are going to cover important current affairs of Himachal 3rd and 4th week of November. So let's begin with this session with the news number 1. The news is related to cyber crime. हिमाचल स्टेट के अंदर साइबर क्राइम जो है उसका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक प्रपोजल भेजा गया है. प्रपोजल ये कहता है टू सेट अप मोर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस इन द स्टेट, राइट. सो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, व्हाट आर द की पॉइंट्स, दैट देयर आर थ्री रेंजेस इन द स्टेट, सदर्न, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रेंज, राइट. सो इसमें हर रेंज के अंदर आपको 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं हर रेंज के अंदर. और डिस्पाइट एन एक्सपोनेंशियल राइज इन द साइबर क्राइम केसेस इन द लास्ट 5 years, देयर इज बेयरली 1 पुलिस स्टेशन, सिर्फ एक ही पुलिस स्टेशन है शिमला के अंदर टू हैंडल ऑल सच केसेस फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स. 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से सिर्फ एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है जो इसको देख रहा है सारे केसेस को, राइट. लेट्स सी, दिस इज सम डेटा ये कहता है कि साइबर क्राइम्स जो है लास्ट 5 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं. काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ मतलब 524 इसका नंबर था 2017 में, नाउ इट इज़ इन थाउजेंड्स, राइट. सो 2773 इन 2021, ठीक है. एंड ऑल्सो क्राइम्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया हैव ऑल्सो राइजन फ्रॉम 221 इन 2017 टू 2063 इन 2021. सो काफ़ी ज़्यादा एफआईआर जो है वो लॉन्च हुई है, रजिस्टर हुई है लास्ट 5 सालों के अंदर शिमला के अंदर. सो फील्ड ऑफिशियल्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स टर्मिंग इट एज मच नीडेड स्टेप टू सेटअप द सच काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोजल किया जाए, स्पीडी डिस्पोज किया जाए, राइट. चलिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज रिलेटेड टू जॉइंट रिसर्च एक्टिविटी, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर का टाई अप हुआ है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, so that to carry out the joint research activities for the students, right. So एक MOU sign हुआ है between the top officials of both the institutions, इन दोनों के बीच में, and ultimately these institutions would provide inputs to each other in teaching के अंदर, training के अंदर and research methodology के अंदर, right. एंड suitably customize the curriculum according to so that कि students और साथ ही साथ जो फैकल्टी है उनको maximum benefits मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है innovation सामने आए, right. Also NIT would help the UIT, मतलब जो University Institute of Technology है, on the proposed matter of chargeable basis. Both institute would provide joint supervision of undergraduate, postgraduate, PhD students को in the area of common interest and multidisciplinary topics. तो दोनों के दोनों joint supervision के basis पे ये सारे जो levels हैं undergraduate, postgraduate, PhD students, इनको properly support किया जाएगा दोनों institutes के द्वारा. Now International Renuka Ji Fair concludes in the सिरमौर district. तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहता है ये पर्टिकुलर फेयर और रेणुका जी फेयर. सो और इट इज़ अ इंटरनेशनल इवेंट, तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग आते हैं इस विज़िट करते हैं इस टाइम पे, ठीक है, सिरमौर के अंदर. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. इट इज़ अ फेयर, इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रेवरेंस एंड डिवोशन ऑफ लॉर्ड परशुराम टुवर्ड्स हिज मदर गॉडेस रेणुका जी. और यहाँ से दिखता है कि कितना रिच कल्चर वैल्यू है इंडियन सोसाइटी की, ठीक है. सो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ऑब्वियसली दीज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर अ सिंबल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द स्टेट एंड शुड बी प्रिजर्व्ड एट ऑल द कॉस्ट. इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सपोर्ट करता है इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज इट टाइमली और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाता है. सो गवर्नर कॉन्ग्रेचुलेटेड द सिटीजन फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर एंड सेड गॉडेस रेणुका जी हैज़ इट्स ओन रिलीजियस सैंक्टिटी एंड पीपल फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट इस जगह को विजिट करते हैं इस टाइम पे और एक अलग सा एक एनवायरनमेंट जो है एम्बियंस बन जाता है, राइट. चलो अब नेक्स्ट इज चंबा के अंदर इन ऑर्डर टू प्रमोट द वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बोट रेस जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया. सो इस बोट रेस को जो ऑर्गेनाइज किया गया है चंबा के अंदर, ये बेसिकली 9th नेशनल ड्रैगन बोट रेस चैम्पियनशिप है जो 2021 की ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? चंबा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको लेक मिलेगा, दैट इज चमेरा लेक। इसी में ही आपको तेलुरु बोटिंग पॉइंट मिलेगा इन द चंबा लेक नियर डेलहौजी इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो है ये बोट रेस ऑर्गेनाइज की जा रही है, 9th नेशनल ड्रैगन बोट रेस चैम्पियनशिप 2021। अब ऑब्वियसली ये जो चैम्पियनशिप है ये ऑर्गेनाइज की जा रही है एज अ पार्ट ऑफ चलो चंबा कैंपेन। चलो चंबा कैंपेन का पार्ट है ये, और इसमें गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे ये प्रॉपरली स्मूथली ऑर्गेनाइज ना हो, राइट। और फंडिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चंबा एज वी ऑल नो एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि फेमस है अपने हिस्टोरिक आर्ट और कल्चर के लिए, और अगर ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है सो ऑब्वियसली वहाँ के जो आर्टिसंस है, वहाँ के जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनका एक लाइवलीहुड का सोर्स बन जाता है, एक इनकम जनरेशन का स्पोर्ट्स सोर्स बन जाता है जब ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वहाँ पे ऑर्गेनाइज होती हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती है। सो अगर देखें तो इस पर्टिकुलर बोट रेस के अंदर 800 पार्टिसिपेंट्स थे, 18 स्टेट से थे, और 4 दिन का ये कॉम्पिटिशन था, राइट। सो हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि इस लेक का नाम क्या था? चमेरा लेक था, चंबा के अंदर है, ठीक है। तो थोड़ा इतना याद रखिएगा। बेसिकली दिस लेक केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ चामेरा लेक ऑन द रिवर रावी। तो पहली चीज़ तो यही है कि ये जो डैम है, ये पर्टिकुलर डैम है, ये किस रिवर के ऊपर है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये लेक है जो डैम के कंस्ट्रक्शन होने के बाद बना, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट लेक्स जो न्यूज़ में आते रहते हैं, हमें देखना है। सुखसार लेक जो है वो मंडी के अंदर है, ठीक है, और ये अबव द मेन सी लेवल जो है दैट इज 1760 मीटर अबव द सी लेवल है ऑन द पीक्स ऑफ टाउन ऑफ रिवालसर। नेक्स्ट इज डल लेक। डल लेक जो है वो लोकेटेड है धौलाधार माउंटेन रेंज के अंदर, और ये फ्रॉम लगभग 11 किलोमीटर दूर है धर्मशाला से, राइट और देयर इज़ अ शिवा टेम्पल ऑल्सो डल लेक के अंदर ऑन दी नदर्न साइड ऑफ दिस लेक, मतलब नदर्न जो लेक का नॉर्थ साइड है वहाँ पे आपको शिवा टेम्पल भी मिलेगा। नेक्स्ट इज कारेरी लेक। ये जो लेक है ये लेक लोकेटेड है 28 किलोमीटर फ्रॉम दी धर्मशाला, धर्मशाला से 28 किलोमीटर दूर है। इट इज़ ऑल्सो द शिवा टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक, सो शिवा टेम्पल भी यहाँ पे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है भृगु लेक। भृगु लेक जो है वो आपसे मनाली से लगभग 13 किलोमीटर दूर है ये, और ये जो लेक है ये लेक ग्रैंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे विजिट करते हैं। और दिस लेक इज़ ऑल्सो फेमस फॉर महर्षि भृगु द फादर ऑफ वीनस, राइट। सो ये न्यूज़ में रहते रहते हैं ये लेक्स, इसीलिए मैंने आपको इसमें चीज़ें, इसकी स्टैटिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू चंबा डिस्ट्रिक्ट अगेन। देखिए चंबा डिस्ट्रिक्ट को 2 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है फॉर इम्प्रूविंग इट्स हेल्थ फैसिलिटी बाय द नीति आयोग, राइट। सो ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है इट कम्स अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, TAD, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो नीति आयोग ने रिसेंट के अंदर उसको जो है गिवन द फाइनेंशियल असिस्टेंस अवार्ड ऑफ 2 करोड़ टू द चंबा डिस्ट्रिक्ट, राइट। सो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये अमाउंट जो है ये स्पेंड की जाएगी चंबा के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, और साथ ही साथ ये अंडरस्टैंड करना है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट हैज़ अचीव द 6th पोजीशन। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो अंडर डेवलप्ड होते हैं, जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक फैसिलिटी वहाँ पे इतनी वेल डेवलप्ड नहीं होती। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखा जाए तो चंबा ने क्या किया है, चंबा ने 6th पोजीशन ली है, 6th पोजीशन ली है among the aspirational districts of the country, because जो इसने जो बेसिकली जो standards होते हैं aspirational districts के improvement के, उससे better perform किया है, और more specifically in the health facility थोड़ा इसने health facility में और innovative changes लाए हैं। For example, the districts has achieved financial assistance of 6 crore पहले भी on the basis of Parameters set for the development, health, nutrition, infrastructure sectors of the program in the past 2 years. तो इनको जो aid मिली है वो इसीलिए मिली है because इनका जो past जो था उसमें इन्होंने they performed really well health, infrastructure के अंदर, nutrition, ये सारी चीज़ों के अंदर they performed good. Also एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, in addition to the the news related to Chamba that they have got the 2 crore aid from the नीति आयोग under the Transformation of Aspirational District, right? But इसके साथ साथ एक चीज़ और पढ़ते हैं कि recently एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट इज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट अप्रेजल रिपोर्ट जो यूएनडीपी इंडिया ने लॉन्च की थी, मतलब उसको रिलीज़ किया था ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021. और उसमें इस अप्रेजल रिपोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी रिगार्डिंग दी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. ठीक है, बोला गया था कि इट इज़ अ वेरी गुड सक्सेसफुल स्टेप एज फार एज द लोकल डेवलपमेंट इज कंसर्न. लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इट हैज़ प्रूव्ड वेरी इफेक्टिव स्टेप सो फार. अब देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करें, लॉन्च्ड इन जनवरी 2018, 2018 में ये लॉन्च हुआ था. ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव इसमें है सिंपल इतना ही कि जो हेक्ट्रोजेनाइटी है थ्रू द मास मूवमेंट इसको रिमूव किया जाएगा. हेक्ट्रोजेनाइटी मतलब दैट मीन्स कि जो रिसोर्सेज हैं वो किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो वो चीज़ को ख़त्म किया जाएगा. मास मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा इसमें वो जोर दिया गया है और इस मास मूवमेंट के द्वारा ही पूरे डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, राइट. सो जनरली क्या जाएगा कि इसमें जो भी एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 CCC की बात कर रहे हैं, CCC मतलब ये जो प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये 3 चीज़ों की बात करता है. पहला करता है कन्वर्जेंस. क्या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो स्टेट की होती है, स्टेट की होती है, सेंटर की होती है, तो उनको जो है उन स्कीम्स को कन्वर्जेंस किया जाएगा उन स्कीम्स का. फिर उसके बाद जो उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या उससे निचले लेवल पे हो, उनके बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए. सो सेकंड इज कोलैबोरेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, अंडरस्टैंड. तो कोलैबोरेशन होना चाहिए. और तीसरी चीज़ क्या है, कंपटीशन. वंस यू हैव अचीव द जो पहले 2 स्टेप्स हैं, उसके बाद क्या होगा, जब ऑब्वियसली मास मूवमेंट होगा, सर्विसेज पहुंचाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और बेटर फैसिलिटीज़ होंगी, तो अल्टीमेटली एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन की तरफ शुरुआत होगी. सो डिस्ट्रिक्ट्स अपने बीच के अंदर ही कम्पीट करेंगे रिगार्डिंग कि किसने कितना प्रोग्रेस किया है, राइट. सो कंपटीशन अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स बाय द स्पिरिट ऑफ मास मूवमेंट, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कन्वर्जेंस, दूसरा है कोलैबोरेशन, थर्ड इज कॉम्पिटिशन, राइट. ओके, अब सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो टोटल ऑफ 117 डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, have been identified by the नीति आयोग based upon the composite indicators. तो 117 जो indicators हैं, 117 aspirational districts को कुछ parameters पे देखा गया है कि why they are aspirational districts, because these parameters में they are not very good. They have somewhere lacking in the infrastructure and now this include health and nutrition, जिसमें चंबा ने they have performed really well. एजुकेशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनका एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ता है HDI पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, जिसमें इंडिया का जो रैंक है वो इतना अच्छा नहीं है, राइट. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो, एक्चुअल डेवलपमेंट हो, और इससे आगे जाके हमारा जो इंडेक्स निकलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलते हैं, उसमें भी हम लोग अच्छा परफॉर्म करें, तो उसके लिए ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था. अब इसमें वेटेज किसको कितनी दी गई है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रीलिम वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, कि ये एरियाज़ है, ये पैरामीटर्स हैं और पैरामीटर्स के बेसिस पे देखा जाए तो ये सारी वेटेज है, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन 30% हो गया, एजुकेशन 30% हो गया, एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्स 20% हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट 10% एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 10% हो गया, राइट। सो वेटेज जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स को दी गई है इस बेसिस पे, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट। सो आज की क्लास में इतना ही। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड थैंक यू।